तो मैं ना आपको थोड़ा अपना मॉर्निंग का रूटीन बना बताती हूँ। इससे पहले अभी मैं फॉलो नहीं कर पा रही। मम्मा का बच्चा, मम्मा का बच्चा, डू लाइक दिस। अच्छा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। और हाँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला, मतलब परसों मेरी बात हुई थी उससे, तो उसने मुझे बोला कि यार तू रात को इतना लेट लेट उठती है, फिर सुबह इतना लेट उठती है, तो उससे क्या होता है पूरा दिन लेट 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 हो जाता है। तो मैं उस दिन से ना मैं 6:30 उठ जा रही हूँ मॉर्निंग में। हाँ, और उठते ही सबसे पहले मेरे को आदत है लेमन टी पीने की, जो ब्लैक टी होती है वो पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं करती हूँ किचन का काम। तो किचन का काम मेरा हो गया है। मैंने आज बनाए गोभी के पराठे, क्योंकि कल भी मैंने गोभी के पराठे बनाए थे तो खोखो को अच्छे लगे। पहले मुझे लगा कि शायद वो नहीं खाएगी, बट खा लिया उसने। तो आज मैंने फिर गोभी के पराठे बनाए हैं। दाल बन गई है, मेरी कुकर में चढ़ने रखी है, बन गई ऑलमोस्ट। और कल रात की जो कटहल और लौकी है थोड़ी, वो भी बची है। तो अब बज रहे हैं 8:30। अब मैं थोड़ा सा योगा करूंगी, थोड़ा सा अपने लिए मेरे को टाइम भी मिल रहा है। तो योगा करने के बाद मैं फिर रखूंगी चाय और फिर करूंगी ब्रेकफास्ट। और सुबह का ना मैं नॉर्मली यहीं शूट करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि हम लेडीज़ का जो होता है किचन में ही गुजरता है दिन, और रूम में बच्चे सो रहे हैं। अगर मैं इतनी जो अगर रिकॉर्ड करूंगी, लाइट जलानी पड़ेगी तो वो उठ जाएंगे, इसलिए मुझे ना किचन में आके मैं यही सुबह का, साथ ही आप लोगों को मेरा किचन भी दिख जाता है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, तो मैं इसलिए किचन में शूट करती हूँ। तो अब मैं करूंगी थोड़ा सा योगा, उसके बाद हम पियेंगे चाय, करेंगे ब्रेकफास्ट। तो अभी 9:20 हो गया है और थोड़ा सा मैंने योगा किया, थोड़ा फोन चेक किया, कंटिन्यूसली नहीं कर पाते, थोड़ा 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 ब्रेक करके करती हूँ मैं, क्योंकि क्या था जब मैं रूटीन में करती रहती थी ना तो कंटिन्यूसली कर लेती थी। अभी मैं काफ़ी टाइम बाद शुरू कर रही हूँ रूढ़ी के होने के बाद, तो थोड़ा थोड़ा उसमें टाइम लग जाता है। तो ऑलमोस्ट मेरी चाय भी बन गई है। और आज है पहला नवरात्रा, तो चाय पीने के बाद मैं करूँगी अपना मंदिर साफ। फास्ट नहीं लूँगी क्योंकि रूडी को भी अभी मैं थोड़ा फीड कराती हूँ, तो मंदिर साफ करूँगी चाय पीने के बाद। यहाँ मेरा गोभी का पराठा और ये रही मेरी चाय। तो अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो इसलिए ना बहुत मुश्किल से कम चांस होता है कि मैं आराम से खा पाऊँ। अरे कम चांस, कभी चांस नहीं होता, कभी चांस नहीं होता बच्चों के, बच्चों जो मदर है ना वो समझ सकती, कभी चांस नहीं हो सकता कि आराम से खा लो। अब तो अब ये महाराष्ट्र के हैं हमारे, देखो खो खो उठ के आ गई है मेरे पास। ऐसा हो सकता था कि मम्मा चुपचाप खा ले, रूडी नहीं तंग करेगा तो रू खो खो करेगी, एक ना एक तो करेगा ही ना। मम्मा को कैसे चैन से रहने दे सकते हो, कैसे रहने दे सकते हो। अच्छा अच्छा, से गुड मॉर्निंग टू मम्मा, यू डिडंट से गुड मॉर्निंग टू मम्मा। ओले ओले, ओके ओके, प्लीज थोड़ा अपना मॉर्निंग का रूटीन बना बताती हूँ। इससे पहले अभी मैं फॉलो नहीं कर पा रही थी क्योंकि रूडी हुआ, रूडी के बाद यू नो डिलीवरी के बाद, फिर बच्चे को 6 महीने तक फीड कराना, उसके बाद अब बल्कि अभी तक मैं रूटीन नहीं फॉलो कर पा रही थी, लेकिन अभी 3 दिन से मैं फॉलो कर रही हूँ। आजकल मैं क्या कर रही हूँ, मैं 6:30 उठ जाती हूँ। 6:30 उठने के बाद थोड़ा सा पहले मैं वही गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद किचन का काम कर लेती हूँ। किचन के काम करने के बाद योगा करती हूँ, फिर अभी मैं आपके सामने ब्रेकफास्ट किया मैंने। ब्रेकफास्ट के बाद मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ ये बादाम है, मतलब एक मुट्ठी बादाम, एक मुट्ठी किशमिश मैं खाती हूँ एवरी डे, रोज खाती हूँ। और अभी अगले मंथ से तो मैं इनको भिगा के खाऊंगी, बट विंटर्स में इनको ऐसे ही खा रही थी। हाँ, एक्सरसाइज योगा नहीं कर पा रही थी, तो वो मेरा अब शुरू हो गया है 3 दिन से। अभी थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, क्योंकि आप बहुत टाइम बाद करो ना तो आप कंटिन्यूसली बहुत देर तक के लिए नहीं कर सकते। तो अब मैं पहले खाऊंगा, अब मैं इसको खाऊंगी और साथ ही मैं खोखो को उसका पराठा खिलाऊंगी। तो अब मैं जा रही हूँ ये दोनों प्लेट लेके, खोखो को खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी। साथ ही मैंने जो गार्ड भैया हैं उनके लिए चाय रख दी है चढ़ाने के लिए, और फिर जब चाय बनेगी तो उनको आवाज़, क्योंकि मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ तो नीचे से आवाज़ देके उनको आराम से ऊपर बुला लूँगी और वो आके अपनी चाय ले जाते हैं। और बस मैं मॉर्निंग में देती हूँ, इवनिंग में ना हो नहीं पाता। बेडरूम में आ गई हूँ, खोखो लेटी हुई है, इसको ब्रश कराना है। ब्रश कराने के बाद मैं इसको इसका जो मैं पराठा लेके आई हूँ वो खिलाऊंगी। साथ ही रूडी देख रहे हो आप, वो अभी सोया है, तो रात भर सोने नहीं देता, बट दिन अभी अपनी नींद उठ गया आपसे बात करते करते, इसीलिए ना इस रूम में आती नहीं मैं रिकॉर्ड करने के लिए। तो भाई साहब उठ गए हैं, भाई साहब उठ गए हैं, तो चलो कोई नहीं, 10 बज रहे हैं, उठना भी चाहिए। अब मैं कराती हूँ खोखो को ब्रेकफास्ट। तो अभी मैंने लाइट ना नहीं खोली है थोड़ा सा, तो खोखो का मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है।
अब थोड़े से मेरे ना अभी भी थोड़ा सा आमंड्स बचे हैं क्योंकि मैं इनको धीरे धीरे चबा चबा के खाती हूँ। और साथ ही उठ गए हैं रूडी। इसके बाद मैं खाने के बाद रूडी का डायपर चेंज करूँगी, वो अगर पॉटी कर लेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ वैसे मैं ज़्यादातर सोचती हूँ कि डायपर में कर लेना तो अच्छा रहता है, वरना वो पैजामा साफ करना बट करना ही पड़ता है अगर कभी कभी नहीं करता है। तो इसके बाद मैं इसका डायपर उतारूँगी, फिर इसकी थोड़ी मसाज कर दूँगी, फिर अराउंड 12 o'clock या 1 o'clock इसको नहलाऊंगी। तो ये भी उठ गए, जब मैं आपसे बात कर रही थी ना तो ये भी उठ गए। और जब वीडियो कैमरास के सामने हो जाता है ना, चाहे ये रो भी रहा हो तो ये स्माइल देने लगता है। तो इसकी ना थेरेपी मिल गई, जब ये रोए तो मैं इसके सामने फ़ोन ला दूँ और ये खुश हो जाए। खोखो को भी मैंने खिला दिया है, अब मैं इस महाराज की मसाज करूंगी जो नीचे बैठे हुए हैं, अब मैं इसकी मसाज करूंगी। उसके बाद फिर खोखो को एक फ्रूट काट के दूंगी क्योंकि आज नवरात्रे शुरू हो गए आज से, तो जब तक नवरात्रे चलेंगे मैं इसको एग नहीं दूंगी। बैठी हूँ ना तो ये ऐसे भाग रहा है, ऐसे भागने लगता है ये, अब करने ही नहीं देता है, ऐसे भाग जाता है ना, ऐसे भागता है। यहाँ पहुंचा है अपना पैजामा लेके, मसाज अपना पैजामा लेके ऐसे पहुंच गया। कैसे करो इस बच्चे की मसाज, लड़के इतने शैतान होते हैं, ये दिख रहे हैं। ये मेरा खोखो तो भगवान था इसके सामने, मेरा खोखो भगवान है इसके सामने। और ये देखो इसको, मस्तियां खूब। क्या करना है इस पजामे का, क्या करना है? मसाज तो करने नहीं देनी है आपने, करना क्या है फिर इसका, पोछा लगाना है इसका। खोखो को खिलाने दिया और रूडी ने मसाज करने में बहुत नखरे दिखाए। अब मैं काटूंगी, खोखो को दूंगी एप्पल और एक पपाया मैं खुद भी खाऊंगी और थोड़ा सा खोखो को भी दूंगी। और ये पपाया मेरे लिए और रूडी को मैंने उसके फ्रूट ईटर में दे दिया चूसने के लिए, साथ में टीवी देखते देखते ये खाएगा। नहा के बस फ्लोर पे जाना है, इधर उधर। और अच्छा ये आया रूडी का न्यू सिपर, इसको पानी पीने के लिए मैंने इसके लिए सिपर लिया है। आज ये अमेजोन से डिलीवर हुआ है, ऑर्डर किया था तो आज ये डिलीवर हुआ है। ये है रूडी का सिपर, इससे ये पी लो। अच्छा बाबा ये आता है पीना सिपर? You have water bottle now because you're a big girl. ये देखो, पता है बच्चे को इतना समझदार है कि पता है कि पानी पीना है। खाने में ये येलो दाल है जो मसूर और अरहर होता है ना वो है, साथ ही राइस थोड़ा सा नीचे से जल गया मुझसे, और इसमें है लौकी की कल रात की सब्जी, और इसमें है कटहल, ये भी गर्म करते हुए जल गए हैं, और ये रहा मेरा कल का बनाया हुआ क्या बोलते हैं चटनी। रूडी ना 2 दिन से गोद से नीचे रह ही नहीं रहा है, अभी स्माइल जरूर कर रहा है लेकिन जैसे इसको नीचे छोड़ूंगी ना रोना शुरू कर देता है। इसी के चक्कर में ना ये मैंने बस लंच के करने के लिए स्टार्ट कर रही हूँ तो ये इसी के चक्कर में गर्म होके थोड़ा थोड़ा ना नीचे से जल गया, अब मुझे ऊपर से निकालनी पड़ेगी। तो अब मैं कराऊंगी इनको लंच। यस बेटा व्हाट हैपेंड बेटा? I want one Oreo, but it's lunch time, बच्चे। One Oreo, okay, take it. तो अभी इसको खाने से पहले ओरियो खाना है, तो उससे पहले तब तक क्या करूंगी, जब तक ये ओरियो खाएगी मैं इस महाराज को खाना खिला दूंगी। तो इसके लिए ना मैं ऐसे रोटी को दाल में ऐसे भिगा के रख देती हूँ, फिर उसका उसको अच्छे से मैश करके इसको खिला दूंगी। और ये खाएगा रूडी, मेरा रूडी लोती है चिकल के, कैमरे में देख के कहो खुश भी होते रहो, है ना? कितना मुश्किल कर देते तुम, है ना, कितना मुश्किल कर देते हो। उसके बाद पानी पियोगे, है ना? अच्छा लग रहा है। फिर खाने से तो लग रहा है कि हाँ इसको अच्छा लग रहा है। लंच में ये कटहल, लौकी, दाल और ये रहा मेरा चटनी, और इसमें है रोटियाँ। तो लंच लग गया है, अब हम करेंगे लंच। लंच के बाद थोड़ा सा इन बच्चों को मैं सुलाऊंगी। शाम के 5:30 और चाय मेरी उबल गई है, मैंने दूध डाल दिया है, अब इसको उबलने के बाद अभी शाम की चाय पियेंगे। और मुझे करनी है खोखो के स्कूल की प्रिपरेशन, खोखो की जो क्लास टीचर है
सेकंड एंड फर्स्ट इनके मतलब फर्स्ट नहीं आ गया तो सेकंड, उधर से फोन आया है कि बच्चे का स्कूल बॉक्स और सॉरी स्कूल बैग और जो बोतल होती है उसको लेबल करना है उसके नाम से और लिखना है नर्सरी क्लास एज वो क्लास में गई है, तो अभी ये सारा प्रिपरेशन करनी है खो खो के स्कूल के लिए, उसके लिए पहले मार्कर लाना होगा। यश मेरा बच्चा ओले 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 आता आज आई एम टॉकिंग अबाउट यू ओनली, ये रहा मेरा बच्चा जो स्कूल जाएगा मंडे से स्कूल जाएगा, इसका पहला दिन कैसा रहेगा अब वो मंडे को पता चलेगा हम सबको और आपको उसके अगले दिन वो ब्लॉग देखने को मिलेगा जब मेरा राजकुमारी स्कूल जाएगा। ओके आई प्ले, अभी उसके साथ मुझे थोड़ा खेलना है तो मैं इसके साथ थोड़ा खेलूंगा, मैं इसके साथ खेलूंगा मनु रुगुरु चढ़ा, तो मैं चाय मल गई अच्छे से, दूध डाल के भी अच्छे से पक गई है, नितिन के लिए विदाउट शुगर निकालूंगी और अपने लिए मैं डालूंगी शुगर, शुगर तो नहीं मैं खांड, आप लोगों को बताया था कि मैं खांड यूज करती हूँ तो मैं खांड डालूंगी अपने उसमें और थोड़ी ना ज्यादा मीठा लेती हूँ मैं, तो ये रही खांड कुछ इस तरीके से होती है बिल्कुल ये, तो इसको मैं डालूंगी अपनी दो चम्मच इसमें और अब हम पीएंगे चाय, नितिन को दे देती हूँ, नितिन को मैंने बताया था कि वायरल फीवर है तो कल तो ऑफ लिया था और सैटरडे संडे ऑफ होता ही है तो नितिन उसी अपने गेस्ट बेडरूम में है तो मैं उसको ये चाय वहाँ पे दे के आती हूँ। नितिन को दे दिए चाय, ये रही मेरी चाय और नमकीन, अब पहले पीऊंगी चाय अच्छे से आराम से उसके बाद करूंगी शाम के खाने की प्रिपरेशन। खोखो ना बहुत जिद कर रही है तो उसके लिए मैं फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ, फ्रेंच फ्राइज में सिर्फ मैं एक आलू ले रही हूँ क्योंकि खोखो ही खाएगी और कोई नहीं खाएगा, तो उसको पहले मैं पील कर लूंगी और उसको फिर छोटे छोटे लंबे लंबे फिंगर जैसे ना उसको काट लूंगी। तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, अब तो उसको मैंने आलू काटे हैं और इसको मैं बीच से इस तरह से काट लूंगी और इसको फिर ना छोटे छोटे फिंगर्स में इस तरीके से काट लूंगी, तो मैंने ऐसे कुछ काट लिया था, 100 मैंने चढ़ा लिया है इसको, अब ये करूंगी इसको धीमी आंच में ना अच्छे से डीप फ्राई होने दूंगी, उसके बाद दूसरा स्लॉट डालूंगी और तो ये है देसी वाला फ्रेंच फ्राइज। खोखो को ना मैकडी वाला पसंद नहीं आता, एक बार हमने मैकडी से लिए हैं इसके लिए फ्रेंच फ्राइज तो उसको पसंद नहीं आता है, ये बोलती मम्मा आप वही बनाओ वही खाऊंगी जो घर पे बनता है मुझे, तो ये मैंने ऐसे कर दिया है तो उससे डीप मैं इसको फ्राई कर रही हूँ इस तरह से ना ब्राउन हो जाएंगे। अब मैं इनको निकाल लूंगी एक प्लेट में बच्चे के लिए, इस तरह से हो जाएंगे और यहीं पे साथ में प्लेट रखी है, सिर्फ एक आलू का है बनता है और बच्चा भी खुश हो जाता है और सबसे बड़ी बात कि घर का है, घर का ये किसी मैंने ना इसमें लाल मिर्च छिड़की है, साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और तैयार हो गया मेरे खोखो का फ्रेंच फ्राइज। खोखो सी योर फ्रेंच फ्राइज, थैंक यू। अभी ना 7:30 बज रहे हैं, मैंने छोले चढ़ा दिए हैं, आटा भी लगाना है, उस पतीले में आटा रखा है गूंदने के लिए और आज का शूट मैं फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि रूडी ना बिल्कुल शूट नहीं करने दे रहा है, उसको साथ में रख के मुझे करना पड़ेगा, पता नहीं 2 दिन से बहुत क्रैंकी हो रहा है, बहुत क्रैंकी हो रहा है, बस गोद में पकड़ रही तो खुश रह रहा है, नीचे छोड़ रही तो रो जा रहा है, तो गोद में पकड़ के बैठ के इससे आटा गूंदना है तो फिर उसके साथ साथ ना मैं ये शूट नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ और थैंक यू गाइज फॉर योर कमेंट, योर लवली कमेंट जो आप मुझे कर रहे हैं और अपना कीमती टाइम मेरे वीडियो को देने के लिए, तो मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ, टेक केयर।